का झारखंडी बाबा, आप ही का नाम सुन के हम लोग आए हैं और आप अभी देर कर दिए, बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है सो हम लोग जा करके हर कल जोतेंगे। हम बोले तो हम क्या करेंगे, बोले हम लोग तकरीर सुनेंगे, आप हर जोतने नियत जानते हैं बताइएगा। अच्छा, कितना खतरनाक बूढ़ा था उस गांव में सुनिए। हमने कहा चलिए चचा बैठ जाइए, नियत करता हूँ चार कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बस गजब मौलाना हो, हर जोते नियत जानो यहाँ है, हम लोगों की बात कोई नहीं करता है। हम बोले चचा बैठिए तो आप सुनना क्या चाहते हैं। बोले अच्छा हर जोतने की नियत आप लोग जानते हैं। अच्छा ये सब गजब बात है कि नहीं। अच्छा हर जोतने नियत कोई किताब में है। हमने कहा बैठ जाओ चाचा, नियत करता हूँ चार कट्ठा गेहूँ खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। हमने स्टेजों पर रहकर के ये बताओ जरा, हमने दर्श किया दिया अपनी आवाम को, क्या मिंबर रसूल का यही हक है कि जिस मिंबर पर हम और आप बैठते हैं क्या उसका यही हक है कि हम लोगों को हंसाते फिरें? बड़े बड़े उलमा हमारे पीछे स्टेज पर बैठ करके बिल्कुल खामोशी के साथ उस बंदे को कुछ नहीं कहते हैं, बैठे रहते हैं बिल्कुल खामोश। क्या हिम्मत नहीं है उस बंदे को टोकने की? और अगर हिम्मत नहीं है टोकने की तो ये बताओ मिंबरे रसूल का हक क्या है? अगर कोई स्टेज पर गलत कर रहा है, अगर हिम्मत नहीं है टोकने की तो बताओ मिंबरे रसूल का हक क्या है? तुम्हारा यहां पे आने का मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। लेकिन आज कोई मतलब नहीं है। और हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा जो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए आने के जलसे में लेते हैं, वो बड़े बड़े खतीब व खुतबा पीछे स्टेज पर बैठ के चुप खामोशी के साथ में आराम से स्टेज पर बैठे रहते हैं। और जब उनका नंबर आता है तो वो खुद वही उलमा हमारे, वही खतीब हमारे अपने नंबर पे अल्लाह अकबर, फिर वो भी कसर नहीं छोड़ते कोई भी, वो भी आवाम को हंसाना शुरू कर देते हैं, डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं, चुटकुले मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ा उलमा को, थोड़ा स्टेज वालों को हंसाएंगे, थोड़ा आवाम को हंसाएंगे, थोड़ी माँ बहनों को हंसाएंगे, जलसे में बस होगी तकरीर हजरत की। अब हजरत को आप नजराना दीजिएगा, सुबह फजर से पहले हजरत को फ्लाइट से निकलना है, आप इनको एयरपोर्ट पर छोड़ के आइएगा, सारे काम आपको इनके करने हैं। ये बताओ जरा जलसे का मकसद क्या हुआ? जो जलसा कराया है इससे रिजल्ट क्या निकला है? अल्लाह पर क्या इन जलसों को कामयाबी की जमानत दी जाती है? आज स्टेज पर बैठे वो उलमा भी जब जिस जलसे के अंदर खामोशी इख्तियार रहती है, जिस जलसे के अंदर कोई खतीब लोगों की इसलाह करते हैं अल्लाह अकबर, तो हमारे ही उलमा कहते हैं जलसा कामयाब नहीं हुआ, मजा नहीं आया। आवाम तो फिर आवाम क्यों ना कहेगी? आवाम तो तुमसे चार कदम आगे भाई, हमारे उलमा खुद इस बात को बोलते हुए जलसा कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जलसे के अंदर शोर शराबा नहीं हुआ, जलसे के अंदर हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, जलसे के अंदर ना सेठों की झूठी तारीफें नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ये बताओ कि आज ये कौम का ये हाल बताओ, ये जो हाल बिगड़ा है हमारी कौम का बताओ, क्या इसके अंदर हमारे उलमा का क्या बहुत बड़ा किरदार नहीं है? हमारी आवाम के बिगड़ने में क्या बताओ हमारे उलमा का बहुत बड़ा रोल नहीं है? है खुदारा हमारे उलमा को तो कॉमेडी करने से फुर्सती नहीं है।